लंडे सिगरेट पी रहे हैं, लोग चाय पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं। नहीं पियेंगे तो इनकी उतरेगी नहीं, इन द सेंस आप समझ गए होंगे क्या नहीं उतरेगी। वेलकम बैक टू द चैनल, होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और एक नई सुबह के साथ नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज फिर कौन है देखो, हेलो, मुंह उतर गया है। उतरने का कारण 10 से 15 कॉलें भाई ने की थी और हम मस्त सो रहे थे ना। मतलब सच्चाई सामने आ ही जाती है। भैया पकड़ लो यार, ऐसे जब वो डोंट बिहेव लाइक दैट, समझ गए होंगे भैया लोग क्या खो रहे हैं सुबह ना उठ के। देखो भाई, मैं तो एक म्यूजिशियन हूँ, तो अगर मैं सुबह सबसे पहले उठूँगा तो मेरा मतलब पहला एम होता है कि मैं सुबह का रियाज़ कर सकूँ, क्योंकि सुबह का रियाज़ गले को जो फ़ायदा देता है वो कभी कोई रियाज़ नहीं दे सकता। बेस का फ़ायदा, खर्च के रियाज़, ये सब बहुत फ़ायदे हैं। और रियाज़ का फ़ायदा सुबह सुबह सिर्फ गले को ही नहीं है, बाकी सांसों पे भी कंट्रोल आता है, ब्रीथ पे कंट्रोल आता है, बहुत से फ़ायदे हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रियाज़ करना सिर्फ गले को फ़ायदा देता है, रियाज़ करना हमें सांसों के इश्यूज़ को भी कम करता है। तो ये भाई ने मेन फ़ायदे बता दिए रियाज़ करने के, जो एक गायकी करता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सुबह अगर वो उठता है तो उसको सबसे पहले सुबह का रियाज बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो हम लोग गुरुजी भी काफ़ी कहते थे सुबह जल्दी उठ के, भैया थोड़ा रियाज कर लिया करो, पर हम लोग हैं तो सिर्फ रियाज से भी हट के अगर आप सुबह उठते हैं तो योगा वगैरह, वॉकिंग वगैरह, रनिंग वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं हेल्थ को फिट रखने के लिए। तो मेरी तरह सुबह मत उठिए कि कभी कभी वाले, रोज़ उठिए। जैमिंग करने मत उठिए, हम लोग तो जैमिंग करने के लिए आए हुए थे, बाकी आए नहीं लोग, फ्रेंड्स लोग नहीं आ पाए, कॉल ही नहीं उठा पाए। उठा क्यों नहीं पाए, वो सो के नहीं उठे ना। सो के नहीं उठे। हर ब्लॉग की बात कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस देखना पसंद है, कौन सा टॉपिक आप देखना चाहेंगे ब्लॉग भाई जिसे कवर कर सकें। बाकी यार कवर सब हो ही रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, देख लो आप। रोमती रोमती की सफाई जो कि हम लोग पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने की थी, तो काफ़ी लोग आए और जितना हो सका हम लोगों ने अपने ये अनुसार कर पाया। ये मंथ है 30 अगस्त, तो हो सकता है दिसंबर के आसपास आपको नदियां साफ मिलें, इसका भी रीज़न है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं ना। हाँ तो हो सकता है कि आपको इंडिया साफ मिले, लखनऊ साफ मिले हमारा, तो दिसंबर में ज़रूर घूमने आए सब लोग जहाँ से भी वीडियोस देख रहे हैं। बाकी एक्सप्लोरिंग प्लेस है, लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी तक हम लोग भी नहीं एक्सप्लोर कर पाए ढंग से। बाकी आप वीडियोस के साथ में बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियोस के साथ में। जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम।